इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा को नवरत्न स्टेटस क्या मिला, इसके स्टॉक्स रॉकेट हो गए। इरेडा के स्टॉक्स में बड़ा उछाल आया है। इरेडा भारत की 17वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। नमस्कार, मेरा नाम है हेडमत द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तर। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अक्टूबर 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत में 16 नवरत्न कंपनियां थी, जिनमें इरकॉन राइट्स, एनडीएमसी और आरसीएफ जैसी कंपनियां शामिल थी। और अब इस लिस्ट में एंट्री हो गई है इरेडा की, जिसके बाद इसके शेयर प्राइस में भारी उछाल आया है और ये स्टॉक अपने पिछले रिकॉर्ड हाई 214 रुपए के करीब पहुंच गया है। 29 अप्रैल को कंपनी का शेयर 170.65 रुपए के पिछले स्तर के मुकाबले 186.20 रुपए के स्तर पर खुला था। दोपहर 12:30 बजे तक इरेडा का शेयर 8% की बढ़त के साथ 184.15 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो ये 49,522.6 करोड़ रुपए है। जनवरी मार्च तिमाही में इरेडा के मार्जिन में सुधार और बेहतर असेट क्वालिटी देखी गई। इस पीएसयू का मुनाफा साल दर साल 32% बढ़ गया है, जबकि तिमाही दर तिमाही 337 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। वित्त वर्ष 2024 की मार्च तिमाही के लिए इरेडा की असेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम पिछले साल से 26.8% बढ़कर 59,658 करोड़ रुपए हो गई। दिसंबर तिमाही से तुलना करने पर भी एयूएम ग्रोथ 18% रही है। 6 महीने में इस पीएसयू का शेयर 207% उछला है। इरेडा के शेयर ने पिछले 5 दिनों में 8.44%, 1 महीने में 29.09%, 6 महीने में 207.17%, 1 साल में 206.92% और 5 साल में 193.86% की बढ़त दिखाई है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इरेडा के शेयरों में जोरदार तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है, वो है कंपनी का नवरत्न स्टेटस। अब नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या है, चलिए अब समझते हैं कि नवरत्न स्टेटस आखिर होता क्या है और यह इरेडा को कैसे फायदा पहुंचा रहा है। भारत सरकार टॉप टियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयूज को नवरत्न का दर्जा देती है और इन संगठनों को केंद्र से अप्रूवल की आवश्यकता के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का पर्याप्त निवेश करने का अधिकार मिल जाता है। इन कंपनियों को 1 साल के अंदर अपनी कुल संपत्ति को 30% तक निवेश करने की स्वतंत्रता होती है, जब तक कि ये 1,000 करोड़ रुपए से कम रहे। ये जॉइंट वेंचर्स में भी शामिल हो सकती हैं, अलायंस भी बना सकती हैं और विदेशों में सब्सिडियरी भी स्थापित कर सकती है। हाल ही में इरेडा के Q4 रिजल्ट्स आए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा, लेकिन सालाना आधार पर यह नेट प्रॉफिट 33% चढ़कर 337 करोड़ रुपए हो गया, जिसके बाद इस पीएसयू के स्टॉक्स ने तेजी दिखाई और अब कंपनी को मिले नवरत्न स्टेटस के बाद इस स्टॉक में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो हमारी सलाह ये है कि आप अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।